Hello everyone, Vishal this side. Welcome back to the Vela Engineer. So today I'll be teaching you Bayes theorem. तो ये Bayes theorem तो अपना final goal है, but ये समझने से पहले हमको conditional probability और total probability theorem ये दो topics की भी understanding होनी चाहिए. So मैं Bayes theorem सिखाने के बाद इसके questions भी लेने वाला हूँ side by side. और ये topic इतना important क्यों है? क्योंकि अगर तुम 12th standard में हो तो CBSE में 6 mark का इससे एक question confirm आता है. अगर तुम इस साल JEE देने वाले हो तो हर साल ऐसे तो 4 mark का एक question confirm आने वाला है. अगर तुम BSc कर रहे हो या BTech कर रहे हो, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में हमेशा तुमको स्टेटिस्टिक्स का एक सब्जेक्ट होता है, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. तो जब जब प्रोबेबिलिटी आएगा तब तक तुम्हारा Bayes theorem आ जाएगा. ये टॉपिक ऐसे तो इजी होता है बट प्रोबेबिलिटी काफ़ी बच्चों को हार्ड जाता है. तो अगर तुम ये वाला वीडियो देखोगे तुमको पक्का ये टॉपिक अच्छे से समझ जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव अहेड. तो मैंने जैसे बोला कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुमको पहले समझना चाहिए अगर तुमको Bayes theorem सीखना है. तो वट एग्जैक्टली इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? तो मैं तुमको थोड़ा सा अच्छे से शॉर्ट में एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, ठीक है. तो समझो तुम एक डाइस ले रहे हो, तो इसकी सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगी? 1 to 6 हो जाएगी, सही है. तो मैं एक इवेंट लेता हूँ ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 1, ठीक है नंबर 1, ठीक है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सब आराम से बता देंगे, 1/6. बी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, तो ये भी अपना हो जाएगा 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 1/2, ठीक है. ये तो तुमने आराम से बता दिया, बट व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक बी और ए डिवाइडेड बाय बी? तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है. तो ये ए स्ट्रोक बी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब इसका समझते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने इसको माना था ऑड नंबर का इवेंट, इसको मैंने माना था एक इवेंट जिसमें नंबर 1 मिल रहा है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम गेटिंग एन ऑड नंबर, मतलब मुझे एक ऑड नंबर ऑलरेडी मिल चुका है और अब वो ऑड नंबर ना हमारा नंबर 1 होगा, ठीक है. तो ये तो तुम ऐसे ही देख के बता दोगे कि 1, 2, 3 और 5 है, तो इसमें से ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 होगी, ठीक है. बट ये फॉर्मूला भाई खाली उस चीज के लिए थोड़ी बनाई, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस के लिए भी बन के रखा है ना. बट मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया जिससे तुमको समझ में आया. तो एक बार हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं कि हमको वो आंसर आ रहा है क्या. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब हमारा नंबर 1 भी है और वो एक ऑड भी है, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी मतलब इसका जो सैंपल पॉइंट होगा वो सिर्फ 1 होगा, बराबर. तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, बराबर. 1 और 1/3 में आना चाहिए था, तो सिर्फ एक ही नंबर बचेगा, वो होगा 1, ठीक है. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी? तो ये तो हो गई 1/2, ठीक है. तो अपना आंसर आ चुका है 1/3, मतलब ये फॉर्मूला सही है और ये कंसेप्ट भी बढ़िया है, ठीक है. तो अभी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जैसे तुमको ऐसे फाइनल तुमको भी समझ में आएगी, तुमको ये टॉपिक समझाए कि नहीं समझा, ठीक है. तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक कार्ड है एक पैक है ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है. तो तुमने उसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया और वो एक एस कार्ड निकला, एस कार्ड मतलब इक्का निकला, ठीक है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक कार्ड, ठीक है. तो फिर मैं एक इवेंट ले लेता हूँ जब मुझे एस कार्ड मिल रहा है, ठीक है. तो 4 एस कार्ड होते हैं, हर एक रेस का एक एक होता है, मतलब लेट इट बी डायमंड का एक, क्लब का एक, हार्ट का एक और स्पेड का एक, ठीक है. तो 4 एसेस होंगे, ठीक है, 4 एसेस और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक में, बराबर. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 1/13, ठीक है. अब मैं बी की बात करता हूँ. बी क्या है? बी मैं एक इवेंट ले लूंगा ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ठीक है. बी इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, ठीक है. तो टोटल कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं? 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ 52, आधे ब्लैक होते हैं आधे रेड होते हैं, राइट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2. तो नाउ मेरे को क्या पूछा हुआ है, मतलब मैंने कार्ड उठाया जो ऑलरेडी इक्का निकल चुका है और अब मुझे बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक कार्ड, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं ए डिवाइडेड बाई बी वाले फॉर्म में लिखना चाहता हूँ. तो ए ऑलरेडी हो चुका है, तो ए नीचे आएगा और बी अब आएगा ऊपर, क्योंकि अब वो होने वाला है, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ये तो तुम यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता इंटरसेक्शन में, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है. तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मतलब अब मुझे पता है कि टोटल 4 एस कार्ड्स पॉसिबल है, ठीक है. एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक स्पेड का और एक क्लब का, ठीक है. डोंट माइंड माय ड्रॉ, ठीक है. तो ये दो ब्लैक हो गए, ये दो रेड हो गए, ठीक है. तो मुझे क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो एस भी है और वो ब्लैक भी है,
ठीक है, तो ऐसे तो सिर्फ दो ही कार्ड्स पॉसिबल है, ठीक है, तो 2 out of 52 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकाल के रखा है 1/13, तो ये लिखोगे 1/26 होगा डिवाइड बाई 1/13, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी लॉजिकल भी है कि हमारे पास 4 एस कार्ड्स है, उसमें से 2 रेड है और 2 ब्लैक है, ठीक है, तो इसमें ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। अगर तुमको ये समझ गया है तो तुमको अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट विल बी लर्निंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है, सो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो ये एग्जैक्टली ये थ्योरम क्या बोलना चाह रहा है, चलो समझते हैं इसको। तो हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है एस, ठीक है, तो उसको ना मैंने एन इवेंट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है, मैंने ना इसे पार्टीशन बना दिए और अब वो एन पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, ठीक है, एन पार्ट्स में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, लेकिन ये जो इवेंट्स लिए ना मैंने, इसकी कुछ खासियत है, ठीक है, इसकी कुछ खासियत है। नंबर वन, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इसका मतलब क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब ये जो जितने भी इवेंट हैं सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब जैसे ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये इवन और ई2 के बीच में डेफिनेट बाउंड्री बना पा रहा हूँ मैं, मतलब जैसे अगर वो डाइस वाला एग्जांपल लूंगा तो जैसे वो ऑड और इवन, ठीक है, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, जैसे 1, 3, 5 ऑड नंबर्स हो गए, 2, 4, 6 इवन नंबर्स हो गए, ऐसा कोई नंबर है क्या दोनों में आ गया वो नहीं ना, तो फिर ये सब भी मतलब वो भी हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या होता है कि अगर मैं वो सारे इवेंट्स को ऐड कर दूँ तो मेरे को वापस से मेरी सैम्पल स्पेस मतलब ये पूरा चीज़ मिल जाए, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया वैसे ही एकदम, ठीक है, एकदम वैसे ही। तो अब मैं बताता हूँ उनको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या बोल रहा है, ठीक है, तो मैंने एक सैम्पल स्पेस लिया है, मैंने उसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और मेरे को ऐसे बोला हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, ठीक है, एक इवेंट ए है जो सब में थोड़ा थोड़ा हो रहा है, या किसी में नहीं हो रहा होगा तो वो बाद में एक्सक्लूड हो जाएगा, बट सब में थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है, वो इवेंट, तो वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, मतलब वो इवेंट और ये जो मेरे बाकी इवेंट्स हैं ये कुछ ना कुछ इसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ये इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, मतलब मैंने पहले एक पर्टिकुलर केस ले लिया कि ये जो मेरा इवन इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट है इवन, ठीक है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, फिर बाद में मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय इवन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इवन हो चुका है, अब ये इवन में ए होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब मेरे को ये पार्ट मिल जाएगा, ठीक, अब मैं ये सेकंड वाले टर्म को लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 मतलब ये वाले इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई2 मतलब ई2 हो चुका है, मुझे ये वाला पार्ट मिल गया, अब ये वाले पार्ट में ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब मुझे फिर ये वाला शेडेड रीजन मिल जाएगा, ऐसे करते करते मुझे ये पूरे शेडेड रीजन मिल जाएंगे अप टू ई एन, ठीक है, और ये चीज़ को और एक तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, तो इसको ही मैं वापस वैसे लिख रहा हूँ, ये एक टर्म को लिख रहा हूँ, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई ई1, ये हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1, है कि नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी के बदले यहाँ पे ई1 आ गया, ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल है, बढ़िया है, और ये मेरे को क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई1 प्लस, अब मेरे को ऐसे ये वाले टर्म को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये देखो एक जैसा दिख रहा है, तो मैं देखिए लिख सकता हूँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 अप टू EN हो जाएगा, ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिल रहा है कि मेरे को A का एक हिस्सा मिल गया जो E1 में था, फिर मुझे A का दूसरा हिस्सा मिल गया जो E2 में है, A का तीसरा हिस्सा मिल गया जो A3 में है, ऐसे करते करते मुझे A के पूरा मतलब मुझे पूरा A मिल रहा है, ठीक है, मुझे पूरा का पूरा A मिल जाएगा, ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला का पावर है, ठीक है, कि मुझे मतलब बिना A के बारे में कुछ ज्यादा इन्फो हुए मैं ये सब कुछ निकाल पाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल पाऊंगा, तो ये फॉर्मूला ऐसे जनरलाइज वर्जन लिख सकते हैं, जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे E1 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A बाई E1 E2 A बाई E2, तो ऐसे इसको मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू समेशन I फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI, ठीक है, ये तुमको याद रह रहा, अच्छा है, नहीं याद रह रहा कोई बात नहीं, बिना इसके भी फॉर्मूला मतलब बिना इसके भी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, मैंने भी ऐसा कुछ याद नहीं रखा, ये फॉर्मूला तो मैं अपने मतलब जो सॉल्व करने का जो तुम्हारा एक बार स्किल आ जाएगा ना तुम खुद बना पाओगे फॉर्मूला, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम था ये। तो अभी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का भी मैं तुमको ऐसे एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ,
ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने लिखा भी नहीं है, मैं क्वेश्चन भी खुद बनाने वाला हूँ बैठ के, तुम्हें बताना मुझे कैसे केसेस लेने हैं, ठीक है। तो समझो मैंने ऐसे कोई तीन बैग ले लिए, ठीक है, मैंने तीन बैग ले लिए, आई हैव टेकन थ्री बैग्स, ठीक है। ये तीन बैग में कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है, तीन बैग में थ्री अलाइक बैग्स है, ये अलाइक बैग का, ठीक है। तो अभी इसमें मैं कुछ ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ, तो लेट मी अज्यूम कि इसमें तीन रेड बॉल है, दो वाइट बॉल है और एक ग्रीन बॉल है, ठीक है। इसमें भी कुछ कर लेते हैं, चलो इसमें सिक्स रेड कर लेंगे, जीरो वाइट कर लेते हैं, और क्या करना है भाई बता दो, दो ग्रीन कर लेते हैं, चलो इसमें सब एक एक करते हैं, ये कुछ भी ऐसे पक्षपात नहीं करता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमको अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि आई एम हैविंग थ्री बैग्स, बैग नंबर ए, बैग नंबर बी और बैग नंबर सी, नाम दे दिया मैंने बैग को, ठीक है। ये मेरे पास तीन बैग है, तो ये तीनों बैग में से मैंने एक एक बॉल पिकअप किया है, एक बॉल पिकअप किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज अ रेड बॉल, दिस बॉल इज अ रेड बॉल, ठीक है। तो ये अपना टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं तुमको आगे बताऊंगा ये क्वेश्चन को पहचानते कैसे, बेस थ्योरम के क्वेश्चन को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक्चुअली कर क्या रहे, अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से जाए, ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। ये अपना पूरा रहा सैम्पल स्पेस, इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, मतलब जो हम लोग पहले ई वन लिखते थे या फिर ई टू लिखते थे, ये सब बदलते रहता है क्वेश्चन के हिसाब से, तुमको इधर नाम देना, तुम ई वन ई टू ई थ्री कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो हम लोग पहले वो ए लिया था हम लोग ने, मतलब जो जिसको हमने ए अज्यूम किया था, ये वाला चीज, ये वाला, ये अपना क्या है, अभी अपना आर हो गया, आर मतलब क्या, मतलब रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को, हाँ, तो हमको रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब इसके हिसाब से फॉर्मूला अगर हमको बनाते बैठते हैं तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, मतलब ये तो फॉर्मूला तुमको मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जैसे यहाँ पे ई वन था पहले, फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय ए प्लस बनाते जाने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय सी, ठीक है। बट मैंने तुमको पहले ही बताया था, ये तुमको याद करने की जरूरत है, ठीक है, तुमको एक दो तीन क्वेश्चन करोगे तुमको खुद फील आ जाएगा कि तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। तो पहले मैंने क्या निकाला था उस वाले में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन था, ठीक है, मतलब ये मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो अब तुम बताओ, ये तीन है बराबर, बैग तीन है, मतलब बेसिकली ए मेरा ये है, ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है ना। तो ए मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, तो तीन बैग है, तीन में से एक सिलेक्ट करना है, तीन बैग एक जैसे है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं है इनमें। तो ए के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। फिर अब मुझे पता है कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला टर्म देखते, ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाई ए और आर स्ट्रोक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए हो चुका है, मतलब मैंने पहला बैग सिलेक्ट कर लिया। अब ये बैग सिलेक्ट करने के बाद इसमें रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसमें कितने बॉल है टोटल, देखो, तीन, पांच और एक, छह बॉल है इसमें, छह बॉल में से तीन रेड बॉल है, तो इसकी रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। प्लस अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, तो ऐसे ये सेकेंड बैग मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, सब बैग एक जैसा है, इसमें कितने आठ बॉल है, उसमें से छह रेड बॉल है, तो इंटू 6/8 या 3/4 लिख दो, प्लस 1/3 इंटू 1/3, तीन बॉल है एक रेड बॉल है। फिर बाद में इसको बैठ के तुम कैलकुलेट कर लेना, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ये नहीं, मेरे को तुमको कंसेप्ट बताना है, कैलकुलेशन नहीं है, तो तुम कर लोगे, ठीक है। तो ये तुमको समझ गया, ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन था। और अगर तुमको ये वाले तरीके से नहीं करना है, ठीक है, ये तो भाई ये तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, तुमको खाली स्टार्टिंग में समझना चाहिए कि हो क्या रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वरना तो भाई ये तुम भूल जाओ, वरना मत देखो तो भी चलेगा। बट तुमको मेन ये समझना चाहिए कि पहले तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं मतलब ये रेड बॉल समझ निकालना है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रेड बॉल किसके अंदर होगा, तीन बैग्स में से होगा, तो पहले अब मेरे को बैग्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, क्या कि फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी, थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी। अगर समझो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे बोल दिया था कि ये बैग्स अलाइक नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट अलाइक, ठीक है, दे आर नॉट अलाइक, और अभी मेरे को ऐसा है कि एक कोई तो बंदा है, मैं ठीक है, मैं विशाल हूँ, ठीक है, ये मेरा जो बैग ये है ना, ये मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, ये मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, तो और मेरे को ये बैग भी बहुत पसंद है, तो ऐसा चांसेस है कि मैं थ्री फोर्थ टाइम्स तो यही बैग लेता हूँ, ठीक है, थ्री फोर टाइम्स तो यही बैग लेता हूँ, वन एथ टाइम्स ये लेता हूँ, 1/8 टाइम्स ये लेता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे को ये बैग पसंद है। ऐसा होता है ना, अपने को एक बैग पसंद होता है, बाकी दो नहीं होते, ठीक है, तो मेरे को ऐसा है। तो अब मैं क्या करूँगा, बाकी पूरा क्वेश्चन का सब सेम ही रहेगा, सिर्फ ये जो मेरा बैग चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी थी ये बदल जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं 1/8 लिखूंगा, यहाँ पे 1/8 लिखूंगा,
और यहाँ पे सॉरी दिस इज बैग नंबर टू ना, तो यहाँ पे 3/4 आएगा और यहाँ पे 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, मतलब कुछ बायस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये फॉर्मूला काफी ऐसे वेरिएशन है सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि लाइक कोई एक पर्टिकुलर केस ही होगा तभी ये काम आएगा। ठीक है, तो दिस वॉज आर टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम था, बट अब मैं तुमको थोड़ा बेस थियरम का भी एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है या बेस थियरम का सवाल है। ठीक है, तो मैं तुमको बेस थियरम बताया नहीं, ठीक है, बताऊंगा, होल्ड ऑन। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है या बेस थियरम, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो अभी हमको क्वेश्चन में क्या, आपने को बैग दे दिए, ठीक है, हमको बैग उठाने की प्रोबेबिलिटी दे दी, अलाइक बोल दिया तो सब इक्वल हो गए प्रोबेबिलिटी बैग उठाने के। ठीक है, और अब हमको पूछ लिया कि बता दो भाई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी, व्हाइट बॉल की कितनी, ग्रीन की कितनी, मतलब एक बॉल आ गया वो रेड है ग्रीन है कौन से कलर का, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो ऐसा सवाल होगा कभी भी टोटल प्रोबेबिलिटी का होगा। लेकिन अगर हमको ऐसे बोल दिया, देखो बेस थ्योरम का ना एकदम दिख जाता है पता है कि कैसे ये इसका सवाल है। अब मेरे को एक सब डेटा सेम दे दिया होगा, सब डेटा मतलब बैग पे उठाने की प्रोबेबिलिटी दे दी मेरे को, ग्रीन बॉल कितने है एक बैग में, व्हाइट कितने है, ग्रीन है, सब दे दिए तीनों बैग में। और अब मेरे को पूछ लिया है कि मैंने एक बॉल उठा लिया, ठीक है, अब वो निकला एक ग्रीन बॉल। ठीक है, अब वो जो बॉल मैंने निकाला वो निकला एक ग्रीन बॉल। अब मुझे बता दो कि ये ग्रीन बॉल है ना, ये बैग नंबर 2 से आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, मतलब ये मुझे क्या पूछ रहा है कि कुछ तो हो गया है, अब मेरे को उसका कॉज बता दो भाई, अब मेरे को उसका कॉज बता दो। मतलब अगर समझो तुमको ऐसे बोल दिया है कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जो एग्जाम में उसको आंसर पता होगा, ठीक है, उसको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, उसको आंसर पता होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ये डम है यार, इसको कुछ आता नहीं है। ठीक है, और इसको आंसर नहीं पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। ठीक है, ये अपने को बता दिया। अब अपने को क्या बोला है कि ये जो आंसर इसका सही होगा, इसका तो बारे में कुछ नहीं बोला होगा, बट इसका जो आंसर मतलब जो तुक्का मार रहे, ठीक है, तुक्का मारने की इसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की भी 3/4 है। ठीक है, मतलब बड़ा लकी बंदा है, ठीक है, हमारा आंसर ठोक के अपना सही हो जाता है उसका। ठीक है, तो अभी पहले तो ये सही होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर उसको आंसर पता है तो ऑब्वियसली सही होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, बराबर, ये समझते हो ना? तो अगर तुमको कुछ पता है फिर भी तुम गलत कैसे करके आ सकते हो? ठीक है, तो अभी अगर तुमको पूछ लिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स द क्वेश्चन राइट, ठीक है, ये तुमको पूछ लिया है। ठीक है, तो इसका तुम कैसे निकालोगे? उसको आंसर पता था, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग इसमें बैग सेलेक्ट करते थे ऐसे ही, देखो इसमें तो दिया है, बायस डी होगा ना एक तरीके से, तो 1/4 इंटू सही होने की प्रोबेबिलिटी 1, मतलब उसको आंसर पता है और सही हो रहा है, मतलब दिस इज समथिंग लाइक ए स्ट्रोक बी ऐसा। ठीक है, 1 प्लस, अब तुमको बोल दिया है यहाँ पे इसका बायस 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, तो ये अपन निकालेंगे वापस 1/4 प्लस 9/16, और इसको वापस इंटू 4 कर लेंगे तो 4 ठीक है, मतलब बंदा बहुत तकी है भाई, अरे एक मिनट मैंने कुछ गलती कर दी, नहीं सब सही है, हाँ तो फिर मतलब बंदा बहुत लगी है, इसका आंसर हमेशा राइट हो जाता है। बट व्हाट इफ हियरिन ही इज आस्किंग मी कि मेरा एक आंसर सही हो गया है, ठीक है, मेरा एक आंसर सही हो गया है, तो अब मुझे बताओ कि वो उसको पता था वो तरीके से, मतलब उसको पता था उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। ठीक है, दिस इज क्लियर कट बेस थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं तुमको बताता हूँ बेस थ्योरम क्या होता है। हाँ, तो बेस थ्योरम में भी अपन वही करते हैं, अपन जो सैंपल स्पेस है उसका अपन पार्टीशन बना के ले रहे हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस का पार्टीशन बना दिया, बट अभी मुझे एक पर्टिकुलर कॉज पूछ लिया, जैसे उसमें बोला था कि लाइक एक रेड बॉल आ गया, ठीक है, एक रेड बॉल आ गया, बताओ बैग नंबर 2 से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मतलब यहाँ पे बैग नंबर 2 मतलब जैसे ये इवेंट नंबर 2 हो गया, ठीक है, और ये अपना जो ए हो गया ये इक्वल टू वो आर वाली चीज हो गई, ठीक है, जो मतलब जो रेड बॉल वाला जो केस था वो। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस पर्टिकुलर मतलब ये जो शेडेड रीजन था यही तो अपना मतलब काम का रीजन है ना, कि मतलब वो जो अपना बैग नंबर 2 है उसमें जितने रेड बॉल होंगे वही यहाँ पे मैटर करने वाला है। ठीक है, तो इसका जो बेस होता है दिस इज सेम एज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये तुमने पहले भी देखा है, ठीक है, बट अभी थोड़ा इस चीज को समझते हैं, दिस इज बेस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या बोल रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई फोर ई फोर डिवाइडेड बाई ए, मतलब कोई एक इवेंट ए हो चुका है, मतलब मेरे को एक रेड बॉल मिल चुका है, अब मुझे बता दो कि वो बैग नंबर यहाँ पे 4 लिखा, चलो हम 2 से लेते हैं, ठीक है, तो वो बैग नंबर 2 से निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो
तो ये हम कैसे निकालेंगे कि बैग नंबर टू से मेरा रेड बॉल निकला है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बैग नंबर टू से निकला है उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो सबसे निकला है, मतलब ये सब में से जितने भी रेड बॉल निकल सकते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी। तो यही मेरे को देगी ना कि बैग नंबर टू से कोई एक पर्टिकुलर चीज हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो बैग नंबर टू की प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ ई टू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। अब पी ऑफ ई टू हो गया, फिर इसके बाद ई टू में ये ए निकलने का चांस, मतलब ये अब जो यहाँ पे जो होगा ना इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई ई टू, ठीक है, ये एग्जैक्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो और डिवाइडेड बाय जो भी, अभी समझो इसमें मेरे को बोल दिया था कि बैग फोर की प्रोबेबिलिटी, बैग फोर से ए हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो चुका है बराबर, तो ई फोर डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर, मतलब ई फोर के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर ई फोर में ए होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ई फोर हैज ऑलरेडी हैपेंड तो वो डिनोमिनेटर में आएगा और ए अब होने वाला है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये से मल्टीप्लाई कर देंगे ई फोर से, ये है देखो ये डिवाइडेड बाय सबकी प्रोबेबिलिटी, सबका कैसे वो इंडिविजुअल पार्ट हमने को मिलता है जैसे मैंने पहले बताया था वैसा। तो दिस इज अ बेस थ्योरम का सवाल, ठीक है, टिपिकल। तो अब मैंने जो पहले एग्जांपल लिया था मैंने, अब मैं तुमको उसको ही सॉल्व करा करके बता रहा हूँ ताकि तुमको डिफरेंस समझे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अब अपने ये तीन बैग है ए बी सी, ठीक है, अब मैं फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए, नहीं चलो सिंपलिसिटी की तुमको टफ वाला केस ही बताते, तुमको ज़्यादा मजा आएगा, है ना। तो ठीक है, यही लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते, चलो अच्छा था। तो अपने पास तीन बैग है ये ए बी सी, अब मुझे बता दो कि मेरे को, मैंने एक बॉल ड्रॉ किया है, आई हैव ड्रॉन अ बॉल एंड दिस बॉल इज ग्रीन इन कलर, एक मिनट क्या बोल रहा हूँ, आई हैव ड्रॉन अ बॉल, हाँ सही है, दिस बॉल इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, एंड मेरे को बता दो कि अब ये बॉल सी से आया है, बैग नंबर सी से आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बैग नंबर सी से आया है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो फिर से अगर तुम कुछ डायग्राम में अच्छे से बना के देते तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, फिर आज में ऐसे ही कर जाएगा, ये अपना ये ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी है, ये अपना ए बी सी है, ठीक है, ए मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अपनी, ए मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, बी मिलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, सी मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ठीक है, और इसके अंदर हाँ ये देखो ये तुम डायग्राम में भी ऐसे कर सकते हो प्लॉट अगर तुमको चाहिए तो, कि हाँ तो तुम्हारा जल्दी आंसर आ जाएगा इन्होंने, हाँ तो ए के अंदर ग्रीन बॉल आने का चांस कितना है 1/6 है, बी के अंदर ग्रीन बॉल आने का चांस कितना है 2/8 है, और सी के अंदर ग्रीन बॉल आने का चांस कितना है 1/3 है, ठीक है। तो अब तुमको क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ग्रीन बॉल एंड इट इज फ्रॉम बैग नंबर सी। तो इसमें मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ कभी भी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8 है, मुझे बैग नहीं पसंद इसलिए मैं इसको यूजुअली नहीं उठाता, तो समझ लो ना तुम कि मैं पहले ये वाले बैग को उठाऊंगा फिर ये वाले बैग में ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो ये वाले बैग में भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है, मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, प्लस कर देता हूँ फिर बाद में, और हाँ यहाँ पे जब मैं 1/3 लिख रहा हूँ तो 1/3 मतलब 1/3 ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, ये पूरे पार्ट का 1/3, नॉट दिस चीज का 1/3, ठीक है, मतलब 1/3 ऑफ दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई ग्रीन, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुमको नहीं चाहिए मत बनाओ, बट द मेन थिंग इज कि तुमको ये कंसेप्ट समझे कि लाइक 1/8 बैग ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है और 1/3 उस बैग में ग्रीन बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बाद में सेकेंड वाला ये मैंने इसके लिए बना दिया, ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि ये तो मेरे को पूछा है, ठीक है। अब नीचे सेम एज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, मतलब इसमें सारे केसेस हो जाएंगे ना, ये प्लस ये, मतलब अब मेरे को ए मिलने की प्रोबेबिलिटी, पहले तो मैं काम करो ये तो एज इट इज लिख दो, अभी थर्ड वाला लिखा है तो पहले ये मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, वो 1/8 × 1/3 प्लस, अब ये मेरा सी कवर हो गया, मेरे को ए और बी लेना है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ ए पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 है बराबर, 1/8 है। अब ये ए में मुझे ग्रीन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना भी दिया था जस्ट इन केस, प्लस ये बी उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 प्लस बी में मुझे ग्रीन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/8 यानी 1/4 अगेन, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तुम कर लेना है, तो चलो तुमको करके ही बता देते हैं एक बार, थोड़ा एक ही बार करना है, तो 1/24 प्लस 1/6 = 48 प्लस 3/16 एलसीएम ले लेंगे 48, तो बाद में ये × 2 हो जाएगा, ये × 2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 3 सा मतलब 9, ठीक है, तो 2/ आंसर आ जाएगा 12, 1/6 क्यों आया, थोड़ा आप इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं ना, अभी इतना कर ही लिया है तो, ठीक है। तो पहली बात तो मेरे बैग नंबर सी को उठाने की प्रोबेबिलिटी कम थी, ठीक है, बैग नंबर सी को उठाने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1/4 लिख देते हैं, ठीक है, भले ही
1/6, 1/4 और 1/3 में ग्रीन बैग में, सॉरी बैग नंबर सी में ग्रीन मिलने का चांस सबसे ज्यादा था, बट ये बैग को उठाने का चांस कम था, तो इससे ग्रीन मिलने का चांस अपना काफी कम हो गया। ठीक है, अगर तुमको ये नहीं समझा तो भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली ये क्यों हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना वो सब इजी टू मॉडरेटली डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे, बट अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एक्चुअली तुम बोल सकते हो कि इनसेनली डिफिकल्ट है, और इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बेस थ्योरम के लिए तुम्हारे पेपर में नहीं आ सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये VJTI में आया है इसी साल सेकेंड ईयर में, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। अ पिकनिक बास्केट कंटेन्स 5 जार्स, 1 मार्मलेड, 2 जार्स ऑफ पीनट बटर एंड 2 ऑफ जैम। अ बॉय रिमूव्स 1 जार एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट एंड हिज सिस्टर टेक्स 2 अदर जार्स, बोथ सिलेक्टेड एट द सेम टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर जे, द नंबर ऑफ जार्स ऑफ पीनट बटर सिलेक्टेड बाय द सिस्टर, मतलब ये चीज को जे बोल रहा है, हेंस ई ऑफ जे, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जे। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक बेस थ्योरम नहीं लग रहा है। इसके बाद देखो, इफ सिस्टर सिलेक्ट्स 1 जार ऑफ पीनट बटर एंड 1 जार ऑफ जैम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय हैड रिमूव्ड द जार ऑफ जैम। ये बेस थ्योरम वाला पार्ट है। तो अब समझते हैं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि अपने पास 5 जार है, उसमें से 1 जार मार्मलेड का है, 2 जार पीनट बटर के है और 2 जार जैम के। ठीक है, 2 जार जैम के। तो पहले क्या कर रहा है, एक लड़का है वो इसमें से 1 जार रैंडमली उठा रहा है, फिर उसके बाद उसकी बहन और 2 जार उसमें से रैंडमली उठा रही है। तो हमको क्या निकालना है, हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जे निकालना है, जहाँ पे जे है कि नंबर ऑफ जार्स ऑफ पीनट बटर ड्रॉन बाय द गर्ल, मतलब जो उसकी बहन है वो कितने जार ऑफ पीनट बटर निकाल रही है। ठीक है, इसको ये इवेंट को उन्होंने जे बोल दिया है। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या बात, तो ये है कि कितने जार ऑफ पीनट बटर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को फिर हम लोग क्लब कर सकते हैं, मतलब ये दोनों मिला के हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पीनट बटर का जार नहीं आना। ठीक है, पैसा, तो फिर हम लोग के पास 3, ठीक है, 3 ऐसे बन जाएंगे, 3 ऐसे जार बन जाएंगे विच आर नॉट जे, मतलब समझ रहे हो, मतलब वो पीनट बटर के जार नहीं है ना, हम के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर 2 जार ऑफ पीनट बटर अपने पास। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे थे, अभी हम लोग केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी लगेगा। ठीक है, तुमको अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे तब जाके तुम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जे कितना हो सकता है, 0, 1 और 2। क्यों? क्योंकि वो लड़की है, वो 2 जार पिकअप कर रही है, 2 जार पिकअप कर रही है। ठीक है, तो वो 2 से ज्यादा तो जैम के जार उठा ही नहीं सकती, राइट, समझ रहे हो। तो और 0, 1, 2, ये 3 पॉसिबल केसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार ढूंढते हैं नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज, ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली तुम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे, तुमको पहले नंबर ऑफ वेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 0 जार्स वो लड़की कब उठा पाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि वो बॉय हो, वो पहले एक जार ऑफ पीनट बटर निकाले। ठीक है, 1 जार ऑफ पीनट बटर, 2 में से वो 1 सिलेक्ट कर रहा है, ये 2 में से 1 सिलेक्ट कर रहा है। फिर वो जो लड़की है वो क्या कर रही है, अब वो उसको 0 जार ऑफ पीनट बटर उठाना है, राइट। तो अब वो क्या करेगी, ये दोनों में से, हाँ, ये 3 में से 2 सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो इंटू 3C2 प्लस व्हाट्स द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, इसकी वो लड़के ने पहले इसमें से एक उठाया हो, मतलब 3C1, और फिर बाद में क्या, लड़की को तो हम लोग ऐसा केस बना रहे हैं जब लड़की ने पीनट बटर उठाया ही नहीं है, बराबर। तो अब यहाँ पे 2 जार बच गए जो नॉट जे है, मतलब 2 जार बच गए जो मार्मलेड के या तो जैम के, सही है। तो ये दोनों वो उठा दिए। ठीक है, ये पॉसिबल केस हो गए। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या, कैसे होगा, लड़का है तो ये उठा सकता है, तो ये पहले उठा सकता है, और कुछ तो नहीं कर सकता, सही है, क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन डाल दिया लड़की के लिए। ठीक है, फिर बाद में द सेकेंड केस इज व्हेन द गर्ल इज ड्रॉइंग 1 जे, ठीक है, मतलब 1 पीनट बटर का जार। तो ये कब पॉसिबल होगा, तो हो सकता है वापस हम वैसे केसेस बना रहे हैं, हो सकता है कि लड़का पहले पीनट बटर का जार उठाए, ठीक है, तो ये 2 में से वो 1 सिलेक्ट कर रहा है। फिर लड़की को क्या करना है, लड़की को भी 1 जार पीनट बटर का सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो 1 बचा है उसमें से वो लड़की 1 सिलेक्ट कर रही है, प्लस ये 3 में से वो 1 सिलेक्ट कर रही है, क्योंकि उसको 2 सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि उसको 2 सिलेक्ट करना है, प्लस क्या हो सकता है कि वो लड़का वो पहले ये 3 में से 1 जार सिलेक्ट करे, मतलब 3 में से उसने 1 सिलेक्ट किया। अब लड़की को क्या करना है, 1 पीनट बटर का जार निकालना है, करेक्ट, तो वो ये 2 में से 1 को सिलेक्ट कर रही है, और जो दूसरा जार वो निकालेगी वो ये जो 3 जार है उसमें से 1 तो निकल गया, तो अब 2 और बचे, बराबर, तो उसमें से वो 1 निकाल लेंगे, सही है। फिर अब हम तीसरा और क्या, जब भी
जब भी लड़की के लड़की ने दो जे पिकअप किए, मतलब दो पीनट बटर के जार पिकअप किए, तो वो कैसे कर सकती है? तो अब लड़के को तो ऑब्वियसली ये वाला, मतलब ये तीन जार से पिक करना पड़ेगा, क्योंकि पीनट बटर के तो दो ही जार है, बराबर। तो लड़का क्या करेगा, थ्री सी, मतलब ये तीन में से एक सिलेक्ट करेगा, और लड़की दो में से ये दोनों सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज अपने को मिल चुके हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है, टू इंटू थ्री प्लस थ्री, फिर ये कितना आएगा, टू इंटू थ्री मतलब सिक्स प्लस थ्री थ्री, ये ट्वेल्व आ जाएगा, फिर इंटू थ्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, नाइन एटीन और थ्री, टोटल आ गया थर्टी, ठीक है, टोटल थर्टी। तो अभी हम लोग, ये नंबर ऑफ वेज आ गया अपने को, अभी हम लोग निकालने वाले प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इक्वल टू जीरो कितना हो जाएगा, नाइन डिवाइडेड बाई थर्टी, टोटल से डिवाइड कर देंगे, राइट। प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 बाई 30 और ये हो जाएगा 3 बाई 30, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। और एक बार ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हम लोगों ने सारे केसेस बनाए हैं क्या, कि हम लोग ऐसे ही रैंडमली ऐड कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास पांच जार है, उसमें से ये पांच जार्स है, इसमें से बॉय एक सिलेक्ट कर रहा है, फिर जो बचे हुए चार रहेंगे उसमें से गर्ल दो सिलेक्ट कर रही है, ठीक है, उसकी बहन दो सिलेक्ट कर रही है। तो ये क्या बनेगा केस इसका, 5C1 इंटू 4C2, सही है, 5C1 इंटू, अभी जो चार बच गए उसमें से दो सिलेक्ट कर रही है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो हम लोग वो कॉम्बिनेशन निकालने का ट्रिक है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2, ऐसा क्या कर रहा हूँ, 2 और यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 30, ठीक है। तो 30 पॉसिबल केसेस है, और ये हम लोग को भी यहाँ पे यही मिला है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने सारे केसेस कवर किया है। नेक्स्ट अपना टास्क अपने को निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको बोला था कि पहले हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है, जो हम लोगों ने कर दिया, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम लोग को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जे निकालना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जे क्या होता है, समेशन जे इंटू पी ऑफ जे, ठीक है, या तो उन्होंने ऐसे पढ़ा हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्स आई पी आई, ठीक है, जहाँ पे समझो तुम ऐसे आई आई लिख रहे हो, आई रेंजेस फ्रॉम 1 to n, ठीक है, जहाँ पे ये जो 0, 1, 2 ये क्या हो जाएगा, अपना J1 हो जाएगा, J2 हो जाएगा, J3 हो जाएगा, सही है। तो अभी इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेता, तो ये कैसे निकालेंगे, 0 इंटू 9 बाई 30 प्लस 1 इंटू 18 बाई 30 प्लस 2 इंटू 3 बाई 30, ठीक है। ये फर्स्ट और लास्ट कॉलम को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, 18 हो गया, 18 प्लस 6 24 हो गया, 24 डिवाइडेड बाई 30, तो 3 8 जा 3 10 जा 0.8 हो गया, ठीक है। तो मेरी आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जे विल बी इक्वल टू 0.8, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू 0.8, सॉरी ये पार्ट विजिबल नहीं था, मैं और एक बार बता देता हूँ, मैंने खाली ये चीज को सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि इफ सिस्टर सिलेक्ट्स 1 जार ऑफ पीनट बटर एंड 1 जार ऑफ जैम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय हैड रिमूव्ड अ जार ऑफ जैम, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में और एक बता देता हूँ कि वो कुछ ऐसा था, बराबर, कि 5 जार थे, उसमें से एक मार्मलेड का जार था, 2 पीनट बटर के जार थे और 2 जैम के जार थे, ठीक है। तो हमको अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि वो जो सिस्टर है, सिस्टर ने ऐसा सिस्टर ने क्या रिमूव किया है, एक पीनट बटर का जार रिमूव किया है और एक जैम का जार रिमूव किया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉय हैड रिमूव द जार ऑफ जैम फर्स्ट, ठीक है। ये हमको निकालने बोला है, तो ये तो क्लियर कट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो बात की बात है ना, पहले बॉय सेलेक्ट कर रहा था फिर गर्ल सेलेक्ट कर रही थी, लेकिन अभी हमको गर्ल के बारे में बता दिया, अब बोला है कि भाई बता दो बॉय ने कैसे सेलेक्ट किया, ठीक है। तुमको वापस से कॉज के बारे में पूछ लिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी ये वापस से मैं तुमको ये डायग्राम बता देता हूँ, ऐसे तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट देख लो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज किसके टर्म में होगी, जो पहले हो रहा है हमेशा उसके टर्म में होती थी, याद है। तो देख लेते हैं, बॉय पहले क्या रिमूव कर सकता है वो देख लेते हैं। बॉय या तो मार्मलेट का जार रिमूव कर सकता है, या तो पीनट बटर का जार रिमूव कर सकता है, या तो जैम का जार रिमूव कर सकता है, ठीक है। ये अपने 3 वो पॉसिबल केसेस हो गए, और यहाँ पे जो हमने को फाइनल कंडीशन दे दिया, ठीक है, यहाँ पे हमेशा फाइनल कंडीशन ही आता है, तो उन्होंने जितने भी क्वेश्चन देखे तुमको तक समझ गया होगा, ठीक है। तो फाइनल कंडीशन क्या दे दी है कि ये सिस्टर ने एक पीनट बटर का जार और एक जैम का जार रिमूव किया, तो इस कंडीशन को मैं एस बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं, इसका नामकरण कर दिया गया है, अब से ये जो इवेंट है ये वाला, कि सिस्टर ने एक पीनट बटर और एक जैम का जार रिमूव किया है, इसको हम लोग अब से एस बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग को
हम लोग को अब क्वेश्चन में क्या बोला है और एक बार देख लेते हैं। इवा सिस्टर सिलेक्ट्स वन जार ऑफ पीनट बटर एंड वन जार ऑफ जैम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉय हैड रिमूव्ड अ जार ऑफ जैम। ठीक है, मतलब ऑलरेडी क्या हो चुका है, अपना इवेंट एस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अपना इवेंट एस ऑलरेडी हो चुका है और हमने क्या पूछा है कि जो बॉय होगा उसने जार का जैम उठाया होगा। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है और हमको अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई जे, जो यहाँ पे आता है उसका उल्टा ही बनता है हमेशा। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई जे, ये पहला वाला चीज तो मैं वापस लिख रहा हूँ, प्लस अभी मेरे को बाकी के लिखना है, बाकी के कंडीशन। तो अभी एक बार एम का लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एम। ऐसे ही मैं अभी भी लास्ट वाला केस भी लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई पी। अभी शायद एक वीडियो में कट आया होगा मेरे फोन में, अभी कुछ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ग्लिच हुआ है, तो देख लेना वो। ठीक है, तो फिर अभी मैंने ये बेस थ्योरम लिखा है, मैंने इन जनरल अभी तक कुछ और नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। ठीक है, तो अभी ये सब तो हमको ऐसे मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ये कैसे मिलेगा। अब देखो एम क्या होगा, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग मार्मलेड जार, बराबर। तो अपने को पता है मार्मलेड का एक जार है, इसका दो जार है पीनट बटर का, और जैम का दो जार है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5। बट ये अपने को क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई जे, मतलब इसका मतलब क्या, वापस वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला चीज़ समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ये इस बात की कि हम लोगों ने जैम का जार रिमूव किया है, हमने एक जैम का जार रिमूव किया है। ठीक है, और उसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जैम का जार रिमूव किया है और अब वो सिस्टर, मतलब एक बॉय ने जैम का जार रिमूव किया और सिस्टर ने एक पीनट बटर और एक जैम का जार रिमूव किया। ठीक है, बराबर। तो फिर अभी यहाँ पे वापस से अपने को केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, अभी अपन यहाँ पे बैठ के अच्छे से केसेस बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास ये चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा जो बॉय है, यहाँ पे मैं बॉय के अजम्पशंस लिखता हूँ, यहाँ पे मैं केसेस बनाते चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं केसेस बनाते चलता हूँ। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि बॉय ने पहले जैम का जार रिमूव किया, बराबर। तो यहाँ पे कितने, अब मेरे पास खाली चार जार्ज बच गए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास खाली चार जार्ज बच गए। ठीक है, और अब मेरे को कंडीशन क्या बनानी है कि उसने एक पीनट बटर और एक जैम का जार रिमूव किया, सही है। तो अभी उसको पीनट बटर के दो जार है, उसमें से उसको एक पिकअप करना है लड़की को। लड़की का क्या होगा, लड़की को एक पीनट बटर और एक जैम का जार रिमूव करना है, तो वो ये दोनों में से एक चूज करनी चाहिए और यहाँ पे जो एक जार बच गया है जैम का, उसमें से उसको एक चूज करना है। ठीक है, समझ गया, मतलब हम लोग अभी केसेस बनाते चल रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, और यहाँ पे तीन हम लोग ने बॉय के केसेस अज्यूम कर लिए, क्योंकि अब बॉय अपने को पता है, बॉय या तो जैम का जार रिमूव करेगा, या तो मार्मलेट करेगा, या तो पीनट बटर करेगा, और कुछ उसका ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मतलब यही पॉसिबल केसेस, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं, हाँ तो इसका पहले वैल्यू निकाल दिया, फिर इसके बाद अब देख लेते हैं क्या करना है। हाँ ठीक है, अब उसने समझो बॉय ने पहले एक मार्मलेट का जार उठाया, ठीक है, मार्मलेट का जार उसने उठाया, तो अब गर्ल को क्या चाहिए, एक पीनट बटर और एक जैम का चाहिए, बराबर। तो वो ये दो में से एक उठाएगी और ये दो में से एक उठा सकती है, राइट, 2c1 2c1, और इसको चाहिए तो ये तो बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और क्या बचा, पीनट बटर। ठीक है, पीनट बटर का जार उठा, तो अगर लड़के ने एक पीनट बटर का जार ले लिया तो अपने पास तो सिर्फ एक पीनट बटर का जार बचा, और लड़की को उसमें से एक उठाना ही पड़ेगा ये कंडीशन के लिए, बराबर। और जैम के दो जार में से वो एक पिकअप करेगी, और समझो इसके लिए भी तुमको कुछ लिखना है, तो ये 1c0 लिख सकते हो और कुछ नहीं, बस ये लिखने का तरीका है। यहाँ पे नीचे क्या होगा, जितने हम चूज कर रहे हैं, और ऊपर क्या होगा, अपना पॉसिबल केसेस होगा। ठीक है, तो इसका कितना होगा, ये भी वैल्यू 2 आ गई, मतलब टोटल 8 पॉसिबल केसेस है, उसमें से ये इसके दो है, दो नंबर ऑफ वेज, 4 नंबर ऑफ वेज, 2 नंबर ऑफ वेज, तो ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, अब मैं प्रोबेबिलिटी केस में लिख रहा हूँ, तो डिवाइड बाई टोटल कर लूंगा मैं। ठीक है, तो ये सम 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये कितना, ये 1/4 है, ये 1/2 है, और ये भी 1/4 है। ठीक है, ये भी 1/4 है। तो ये बेसिकली जो मैंने ये प्रोबेबिलिटीज निकाली है, ये जो फर्स्ट वाली है वो इसकी वैल्यू है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई जे, क्योंकि देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने वही चीज़ किया ना, अभी देखो जे जे मतलब क्या हुआ, जे डिनोमिनेटर में, इसका मतलब मैंने जे फिक्स कर लिया। ठीक है, मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइड व्हेन दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, और फिर हमने बैठ के सैटिस्फाई कराया इसको। ठीक है, समझ रहे हो, तो मैंने कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा है, तो इस हिसाब से अब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करते जाते हैं।
ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, मतलब जे को निकाल, मतलब बॉय एक जाम जार उठाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5 होगी, क्योंकि दो जाम के जार हैं, ठीक है, इनटू ये वाली वैल्यू जो है 1/4 डिवाइडेड बाई, ये चीज़ वापस लिख देता हूँ एक बार, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्मलेड 1/5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S/M ये वाली 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी पीनट बटर वाला, ठीक है, तो इनटू 2/5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S/P मतलब ये वाला 1/4, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सबका डिनोमिनेटर 20 है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका नहीं है, तो इसका इधर 2 लिख देते हैं और ये 4 कर देते हैं, ये भी 20 हो गया, ठीक है, तो ये सब 20, तो अभी खाली न्यूमरेटर लिखूंगा मैं 2 + 2 + 2 1/3 आ गया आपका आंसर, ठीक है, ठीक है 1/3 आ गया। आई रियली होप कि आपको ये समझ गया होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आई नो, बट मेरे को ऐसा एक क्वेश्चन लेना था कि आपको समझ में आए कि लाइक व्हाट इज़ द लाइक मैक्सिमम लिमिट जिस लेवल का तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, थैंक यू सो मच।